हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्ति के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है, उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत, हैप्पी कौर, सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं, इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने,
और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है, यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं।
जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नज़र आते हैं। भूमि पेडनेकर संधिया के रूप में नज़र आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नज़र आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नज़र आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नज़र आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज़ ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज़ ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज़ और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया, और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहाँ वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा, और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं।
वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सेम टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विपुल डीसा शशिकांत सिन्हा अश्विन वर्दे राजेश बायल ने और साथ में आपको बताते इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी रोचक कोहली गुरु रंधावा राज रंजोद ने और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू और 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं जो दोस्त भी हैं इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद
युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य दो जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बोस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदूरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू और 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी हमने बहुत पसंद किया
और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा, और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है, उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय
मुद्दसिर अजीज ने। और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसिर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है, यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं, इस मूवी का म्यूजिक दिया है, यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में
वार्तिकी की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है।
तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी।
जयपुर में एक शादी में तीन विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य दो जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बोस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बोस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की माँ के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है, और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।
इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है, तो ये मूवी हिट साबित हुई है। और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य दो जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं।
तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है, और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं, ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया, और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है, तो ये मूवी हिट साबित हुई है। और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा, और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं।
समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी अनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विपुल डीसा शशिकांत सिन्हा अश्विन वर्दे राजेश बहल ने और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी रोचक कोहली गुरु रंधावा राज रंजोद ने और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्ति के हैं जो दोस्त भी हैं इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा।
भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर रिशम मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सेम टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज़ ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज़ ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज़ और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया, और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें।
हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है, उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजीत गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं, इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है, और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने,
और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है, यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहाँ वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजीन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं।
जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नज़र आते हैं। भूमि पेडनेकर संधिया के रूप में नज़र आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नज़र आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नज़र आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नज़र आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया, और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं।
वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विपुल डीसा शशिकांत सिन्हा अश्विन वर्दे राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाई निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाई स्कोर जोहन स्टावर्ट इदूरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी रोचक कोहली गुरु रंधावा राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू और 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई है यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं जो दोस्त भी हैं इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद
युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य दो जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बोस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवीज़ हमने बहुत पसंद किया।
और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्ति के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा, और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है, उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कवि के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं, इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय
मुद्दसिर अजीज ने। और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसिर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है, यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है, यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया, यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजीत गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में
वार्तिकी की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहाँ वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़े के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है।
तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर रिशम मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सेम टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजीन, गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन, ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि ये मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी।
जयपुर में एक शादी में तीन विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य दो जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार, डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान, कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू, हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बोस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बाहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है, यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है, और इस मूवी ने एडिट किया है, यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है, यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।
इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है, यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है, तो ये मूवी हिट साबित हुई है। और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है, उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिम टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वर्तिका की सौतेली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वर्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं।
तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डीसा, शशिकांत सिन्हा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय, स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है। और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने, और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी, रोचक कोहली, गुरु रंधावा, राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया, और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया, इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है, और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है, और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था, जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े, जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्ति के हैं, जो दोस्त भी हैं, इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है, जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं, जहां वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा, और जो कोई भी कॉल, संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा। भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी 6 को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर ऋषभ मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वाणी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधू एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सिल के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं।
समर की बोस मालती के रूप में इसीता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजिन गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी अनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विपुल डीसा शशिकांत सिन्हा अश्विन वर्दे राजेश बाहल ने और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी का लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी रोचक कोहली गुरु रंधावा राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो रिलीज़ डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों तो आज हम खेल खेल मूवी का फैक्ट 10 रिव्यू बताएंगे। तो सबसे पहले हम खेल खेल मूवी का स्टोरी बताते हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच उदयपुर और लंदन में आयोजित किया गया था। फिल्म का आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया था। इस 100 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनाया गया था जिसमें अक्षय कुमार की 60 करोड़ की फीस शामिल थी। जयपुर में एक शादी में 3 विवाहित भारतीय जोड़े जो पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व के हैं जो दोस्त भी हैं इकट्ठे होते हैं। झूठ बोलने की आदत वाले प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक अपनी लेखिका पत्नी वर्तिका से अलग होने वाले हैं। वर्तिका की बहन राधिका के संगीत समारोह के बाद युगल एक खेल खेलने का फैसला करता है जिसमें अन्य 2 जोड़े भी शामिल होते हैं। तीनों जोड़े ऋषभ के कमरे में मिलते हैं जहाँ वर्तिका खेल का नियम बताती है। हर कोई अपने सेलफोन टेबल पर रखेगा और जो कोई भी कॉल संदेश या ईमेल प्राप्त करता है उसे बाकी प्रतिभागियों के साथ विवरण साझा करना होगा।
भले ही खेल की शुरुआत मज़ेदार तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कई रहस्य उजागर होते हैं। जोड़े एक दूसरे के बारे में छिपे तथ्यों को जानकर चौंक जाते हैं। सभी छह को एहसास होता है कि उनकी वास्तविक जीवन उनके सोशल मीडिया और अमीर जीवन से बहुत दूर है, जिसे वह दुनिया सामने पेश करते हैं, जिससे जोड़ी के बीच और भी गलत फहमियाँ पैदा होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं। तो अक्षय कुमार डॉक्टर रिशम मलिक एक प्लास्टिक सर्जन के रोल में नजर आते हैं। फरदीन खान कबीर देशमुख एक क्रिकेटर कोच के रोल में नजर आते हैं। तापसी पन्नू हरप्रीत हैप्पी कौर सॉरी एक ग्रीनी और सोशल मीडिया ब्लॉगर के रोल में नजर आते हैं। वानी कपूर एक लेखिका वर्तिका मलिक के रूप में नजर आते हैं। हरप्रीत सिंधु संधु एक ऑटोमोबाइल डीलर के रूप में एमी विर्क के रोल में नजर आते हैं। समर सिंह टमवर एक ब्रांड मैनेजर के रूप में आदित्य सील के रोल में नजर आते हैं। नैना तानवर के रूप में प्रज्ञा जायसवाल एक बुटीक मालिक के रोल में नजर आते हैं। समर की बॉस मालती के रूप में इशिता अरुण के रोल में नजर आते हैं। तलत अजीत गगन मेहरा नैना के पिता समर के बॉस के रूप में रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका के पिता के रूप में किरण कुमार रोल में नजर आते हैं। वर्तिका और राधिका की मां के रूप में आलका कौशल के रोल में नजर आते हैं। माही राजन ऋषभ की बेटी आनिया मलिक के रूप में वार्तिकी की सौतीली बेटी के रोल में नजर आते हैं। वार्तिका की बहन राधिका के रूप में दिलजोत छाबड़ा के रोल में नजर आते हैं। गौरव मनवाने वरुण के रूप में राधिका के मंगेतर के रोल में नजर आते हैं। चित्रा गदा सिंह कांदावरी कपूर के रूप में नजर आते हैं। जेमी शेरगिल कबीर के भाई के रूप में रोल में नजर आते हैं। अर्जुन कपूर गौतम के रूप में नजर आते हैं। भूमि पेडनेकर संध्या के रूप में नजर आते हैं। अपार शक्ति खुराना रिक्की आहूजा के रूप में नजर आते हैं। सनी सिंह ऋतिक के रोल में नजर आते हैं। अनन्या पांडे रेहाना के रूप में नजर आते हैं। तो यह इस मूवी का स्टार कास्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विपुल डीसा शशिकांत सिन्हा अश्विन वर्दे राजेश बायल ने। और साथ में आपको बताते हैं इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाय मुद्दसर अजीज ने और इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुद्दसर अजीज और सारा बोदिनार द्वारा किया गया है। और इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी मनोज कुमार खटोई की तरफ से है और इस मूवी ने एडिट किया है यानी कि एडिटेड बाय निनाद खानोलकर ने। और साथ में आपको बताते इस मूवी का म्यूजिक दिया है यानी कि म्यूजिक बाय स्कोर जोहन स्टावर्ट इदुरी ने और सॉन्ग्स तानिक्स बख्शी रोचक कोहली गुरु रंधावा राज रंजोद ने। और इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट इस मूवी की 15 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं। तो इस मूवी के बजट की बात करें तो 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से मात्र 56 करोड़ की कमाई की है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं। इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार में से 4.4 स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी कि पब्लिक रिव्यू। अब 5 स्टार में से 4.4 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है यानी कि मूवी सबने बहुत पसंद किया और ये मूवी स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया। और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 100 करोड़ है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 56 करोड़ की कमाई की है। तो ये मूवी हिट साबित हुई है और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको बहुत पसंद आया है और ये मूवी की स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया है। मूवी स्टोरी भी सबको बहुत पसंद आया यानी कि मूवी स्टोरी बहुत अच्छा है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें।